राजनीतिक दलों के तो बूथ हमेशा लगते हैं, इस बार चुनाव आयोग ने किस तरह से अलग से इंतजाम किए? बोला है ना कि 100 मीटर दूर बैठना है। अच्छा, पर ये तो राजनीतिक दल के लगते हैं, आप लोग तो पर्ची बांट देते हैं, उसके बाद बूथ तो नहीं लगते अक्सर? लगते हैं। अच्छा, ये आपको चोट कैसे लग गई मैडम पैर में? अच्छा, पर्ची बांटते हुए, मतलब चुनाव के लिए जो ड्यूटी कर रहे थे, और उसके बाद भी आज भी आप ड्यूटी पे हैं, ये तो अच्छी है, तो आना तो था ही। जी जी, अभी किस तरह का माहौल है यहाँ नोएडा में वोटिंग को लेकर? ठीक है सर, नॉर्मल है माहौल, तो ठीक है। ये चुनाव आयोग की तरफ से आपकी ड्यूटी लगी, लेकिन वैसे कहाँ काम करते हैं आप? सेक्टर 22 गांधी स्मारक विद्यालय में टीचर, टीचर हैं आप। तो ये कितना कठिन काम था घर घर जब पर्ची पहुँचाना वगैरह? सर मुश्किल पड़ता है बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे पास सारे मल्टीप्लेक्स स्टोरीज के मकान है और सभी में मेरे पैर में भी थोड़ा परेशानी है, पर चढ़ के सब जगह हर घर में। तो ये काम पूरा हो गया समय से? पर्ची ना हो सर, लगभग समय से पूरा हो जाता है, लेकिन कुछ लोग जैसे ड्यूटी चले जाते हैं, लोग नहीं मिलते हैं, कुछ लोग शिफ्ट हो गए, उनके पास रह जाती है, आज सुबह देते हैं जैसे आए तो।